हेलो स्टूडेंट, मैं एसन प्रजापति डिम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं विविध प्रश्नावली 11 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हों तो दिखाइए कि इन दोनों रेखा पर लंब रेखा की दिक कोसाइन M1 N2 माइनस M2 N1, N1 L2 माइनस N2 L1 तथा L1 M2 माइनस L2 M1 होंगी। तो इसके सलूशन के लिए जरा देखें, हम पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, माना दोनों रेखाओं, माना दोनों रेखाओं पर लंब रेखा की दिक कोसाइन मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस या दिक को जियाए डायरेक्शन कोसाइंस यल यम और यन है और यन है। हमने मान लिया कि जो दो रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं उन पर तीसरी लंबवत रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस यल यम और यन है। तब होगा क्या, चूंकि यह रेखा L1 M1 N1 जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं उसके लंबवत हैं, तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस के गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होगा। लिखेंगे अतः, अब यहां पर लिखेंगे अतः L1 प्लस M1 प्लस N1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इस जिस रेखा के डायरेक्शन को साइंस यल यम यन हमने माना है वह इन दोनों रेखाओं के लंबवत है, तो इनके डायरेक्शन को साइंस के गुणनफल का योगफल 0 के बराबर होगा। यह इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, L2 प्लस M2 प्लस N2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर जरा देखें, यल यम यन डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो कि हमको ज्ञात करने हैं। तो चूंकि यहाँ पर दो इक्वेशन हैं और तीन वेरिएबल हैं यल यम यन, दो इक्वेशन दोनों के राइट हैंड साइड 0 हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि से हम यहाँ पर यल यम यन का मान निकालेंगे। तो यहां पर जरा देखें, वज्रगुणन विधि द्वारा क्या होता है कि यल अपान, और वज्रगुणन विधि लगाने के लिए जरा देखें क्या लिखेंगे, यल अपान, फिर यहां पर लिखेंगे माइनस यम अपान, और यहां पर लिखेंगे यन अपान, इस तरह से। अब जरा देखेंगे यल के नीचे क्या बैठाएंगे, तो यल वाले पद को हम लोग ऐसे ढक लेते हैं, और यहां पर जरा देखेंगे यम के गुणांक और यन के गुणांकों का गुणा करेंगे, यानी यहां से मिलेगा M1 N2 माइनस M2 N1। तो यहां से मिलेगा M1 N2 माइनस M2 N1, और यम के पास देखेंगे यहां पर क्या है, माइनस लगेगा, तब फिर हम इसको ऐसे ढक लेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इंटू इसमें करेंगे। तो इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो मिलेगा L1 N2 माइनस L2 N1, इस तरह से। और N के नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर जरा देखेंगे इस वाले पद को ढक लेंगे हम यहाँ से ऐसे, और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इनके गुणांकों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा L1 M2 माइनस L2 M1, यहां से मिलेगा L1 M2 माइनस
L1M2 minus L2M1. L2M1 इस तरह से, चूंकि ये सभी बराबर हैं तो यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट K, तो इस तरह से L क्या हो जाएगा देखेंगे, यहां से हो जाएगा L अपान M1 N2 माइनस M2 N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K। तो यहां से L इक्वल टू कितना हो जाएगा K टाइम्स M1 N2 माइनस M2 N1 इस तरह से हो जाएगा। और यहां पर आप जरा देखें आगे, इसी तरह से M इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से जरा देखें M इक्वल टू माइनस M अपान, यहां से जरा देखें क्या हो जाएगा L1 N2 माइनस L2 N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा K। तो यहां से जरा देखें इस माइनस को यहां पर अगर हम लोग गुणा करें तिर्यक, तो M इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स माइनस M इक्वल टू हो जाएगा L1 N2 माइनस L2 N1। और यहां से माइनस को कॉमन लेकर इस साइड को प्लस कर लेंगे तो इधर का सब चिन्ह बदल जाएगा, देखेंगे इस तरह से हो जाएगा K, यहां से माइनस कॉमन लेंगे या माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा L2 N1 माइनस L1 N2 इस तरह से। तो ये मान लिया कि 1 बना, सॉरी ये 3, यह 4, और इसी तरह से हम क्या निकालेंगे आप N की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां जरा देखें इसको K के बराबर करेंगे, तो यहां जरा देखें क्या हो जाएगा N इक्वल टू N अपान L1 M2 माइनस L1 M2 माइनस L2 M1 इक्वल टू K। यहां से जब N की वैल्यू निकालेंगे तो K L1 M2 माइनस L2 M1 यह बना फाइव। तो कह रहे हैं कि दिखाइए कि दिक कोसाइंस, दिक कोसाइंस इनके इतने हैं, तो यहां पर जरा देखें यह दिक कोसाइन आ गया, और दिक कोसाइन में अनुपात क्या है, समान है, के की समान है, तो हम के को हटा सकते हैं। अतः अभीष्ट रेखा की दिक कोसाइन, अभीष्ट रेखा की दिक कोसाइन जरा देखेंगे कितना हो जाएगा, यल यम एन है, तो यहां पर जरा देखिएगा इस तरह से हो जाएगा यल की वैल्यू के यम वन यन टू माइनस यम टू यन वन, यह हो गया, फिर कॉमन लगाएंगे जरा देखेंगे यह हो गया यल की वैल्यू, यहां पर है यम की वैल्यू के यल टू यन वन माइनस यल वन यन टू कामा, फिर के टाइम्स जरा देखेंगे एन की वैल्यू यहां पर है, तो एन की वैल्यू रखेंगे यल वन यम टू माइनस यल टू यम वन इस तरह से। आप जरा देखेंगे तो यहां पर चूंकि अनुपात के सब में समान है इसलिए इसको हम हटा सकते हैं, तो इसलिए यह हो जाएगा देखेंगे दिक कोसाइंस, अतः दिक कोसाइंस या कोज्याए दिक कोसाइंस देखेंगे इस तरह से हो जाएगा यम वन यन टू माइनस यम टू यन वन, यहाँ पर सब में के से मल्टीप्लाई है इसलिए के को हम हटा सकते हैं चूंकि समान रेशियो है, तो इसलिए इसको हम यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ से बचेगा देखेंगे यहाँ पर क्या चाहिए हमको, यन वन पहले है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यन वन यल टू N1 L2 माइनस N2 L1 कामा, और यहाँ पर जरा देखेंगे क्या हो जाएगा L1 M2
माइनस एल टू एम वन। तो इस तरह से अभीष्ट रेखा के दिक् कोसाइन्स आप ज्ञात कर सकते हैं।